हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 सर्कल क्लास 9 का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके बाहर एक पॉइंट गिवन है हमें। तो अगर मुझे इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस कैसी हो सकती है? डिस्टेंस इस तरह से नहीं होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी जो उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा डिस्टेंस को कैसे लिया जाएगा? परपेंडिकुलर फॉर्म में, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं हम। थ्योरम नंबर हमारी 10.6 आएगी। थ्योरम 6 हमें क्या बताती है? इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सर्कल में जो टू इक्वल कोर्ड्स होंगी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। इसको कैसे करेंगे देखते हैं हम। हमने एक सर्कल के अंदर टू इक्वल कोर्ड्स ड्रॉ किया, ए बी एंड सी डी। ये सेंटर हो गया सर्कल का। अब हमें क्या बताना है कि इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ली जाएगी इस तरह से, और इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी इस तरह से, ठीक है। इसको हमने नाम दिया पी एंड क्यू। अब हमें बताना है क्या प्रूव करना है इसके अंदर हमें। ये जो इक्वल कोर्ड्स हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। हमने ओ ए और ओ सी को ज्वाइन किया। अब हमें यहाँ पर दो सर्कल दिख रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। इन ट्राइंगल पी ओ सी एंड ट्राइंगल क्यू ओ ए, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं कि ओ ए एंड ओ सी इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियस हैं। इसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पहले कि अगर हम सेंटर से कोड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, पी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम, पहले से पहले प्रूव करते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर मैं इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए बी का हाफ क्या हो रहा है हमारे पास? पी सी। और सी डी का हाफ क्या होगा हमारे पास? ए क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं, ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, ये 90 एंगल हमें दिख रहे हैं। तो बाय आर एच एस दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, दोनों रेडियस हैं। सेकेंड थिंग पी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू, यह भी हमने प्रूव किया है। और थर्ड एंगल ओ पी सी इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ए, दोनों 90 डिग्री हैं। देयरफोर ट्राइंगल पी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ ए बाय आर एच एस। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ओ पी और ओ क्यू इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। देयरफोर ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम 6 फिनिश हुई। इसके बाद इसी थ्योरम में हम कन्वर्स देखेंगे। अभी हमने देखा था दो कोर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। अब इसका कन्वर्स में क्या बताया जाएगा कि अगर दो कोर्ड सर्कल के अंदर हमें गिवन है और दोनों कोर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो दोनों कोर्ड की लेंथ इक्वल होगी, जस्ट रिवर्स। तो थ्योरम नंबर 7 देखेंगे, कन्वर्स ऑफ 6। ये है हमारी कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6। तो क्या इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है? कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कोर्ड्स आर
इक्वल इन लेंथ, जस्ट रिवर्स। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के अंदर हमने दो कोर्ड ड्रॉ की, ए बी एंड सी डी, ये सेंटर है इसका। तो हमें क्या गिवन है इसके अंदर कि सेंटर से हमने इसमें जो प्रॉपर्टी का ड्रॉ की है, ये मतलब जो डिस्टेंस है सेंटर से इसकी वो इक्वल है। तो यहाँ गिवन में क्या होगा हमारे पास, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू हमें गिवन है। क्या प्रूव करना है इसमें हमें कि दोनों कोर्ड्स की लेंथ इक्वल प्रूव करनी है हमें। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। हमने ओ सी और ओ ए को ज्वाइन किया, तो हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल क्यू सी ओ या क्यू ओ सी, ठीक है। तो यहाँ हमें गिवन है ओ पी इजिकल्स टू ओ क्यू गिवन। नेक्स्ट ये 90-90 एंगल इक्वल है, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू सी 90 डिग्री, एंड थर्ड ओ ए इजिकल्स टू ओ सी, दोनों रेडियस हैं, ठीक है। देयरफोर ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ सी, कौन सी प्रॉपर्टी हुई यहाँ पर हमारे पास, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये 90-90 बाय आर एच एस, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए पी और क्यू सी इनके पार्ट्स हैं, देयरफोर ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी बाय सी पी सी टी। अब अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू सी, ए पी का डबल क्या होगा ए बी, और सी डी का डबल क्या होगा क्यू सी का डबल होगा सी डी। इस तरह से हमारी है थ्योरम नंबर 7 प्रूव हुई है, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 10.4, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोर्ड। हमें टू सर्कल्स गिवन है जिनकी लेंथ हमें गिवन, जिनकी रेडियस हमें गिवन है 5 एंड 3, और इनके सेंटर की बीच की डिस्टेंस, ये सेंटर को हमने ओ एंड ओ डैश सेलेक्ट किया, तो ये हमारे के, ये हमें 4 गिवन है, ठीक है। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमें 5 गिवन है और छोटे सर्कल की रेडियस हमें 3 गिवन है। यहाँ ए बी जो है हमारी कॉमन कोर्ड होगी जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को मैं एम नेम देता हूँ यहाँ पर। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ऐसी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल की ग्रेटेस्ट साइड के स्क्वायर को जो हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5, 4 एंड 3, तो यहाँ सबसे बड़ी साइड हमें क्या गिवन है 5, अगर 5 का स्क्वायर 25 होगा और अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम करते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9, तो ये भी 25 आया। तो अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास अप्लाई होती है तो हम देखेंगे ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, बट अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसे हम। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश, तो यहाँ हमें सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है 5, तो 5 का स्क्वायर हमने किया तो ये होगा 25, और अदर टू साइड्स का स्क्वायर करते हैं अगर हम 16 प्लस 9 25, तो हमने क्या देखा है यहाँ पर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
therefore triangle OAO dash is right triangle. ये हमारा क्या हो जाएगा, एक right triangle हो जाएगा. अब यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारे पास, 5. तो इसके सामने अगर मैं इसके से ड्रॉ करता हूँ 5, 4 and 3, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा. तो 5 के सामने अपोजिट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, अब हम यहाँ पर एरिया यूज कर एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल्स टू, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल डायरेक्टली हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. तो हाफ इंटू बेस हमारे पास 4 गिवन है, हाइट 3 गिवन है, 4 into 3 6 cm². ठीक है, अब अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ओ डैश फाइंड करते हैं हम. अब मैं बेस को ले रहा हूँ यहाँ पर ओ डैश, जो हमें 4 गिवन है, तो हाफ इंटू 4 इंटू इसको बेस लेने पे हमें ये परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पर ए एम, तो ए एम हमारे को यहाँ आएगा 2 AM. एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम. तो 2 AM इजिकल्स टू 6 एंड AM इजिकल्स टू 6/2 AM इजिकल्स टू 3. हमने AM की लेंथ फाइंड कर ली. अब AB जो AM का डबल होगा, ये हमने पहले पढ़ा था, तो AB इजिकल्स टू ट्वाइस ऑफ AM, तो ये हो जाएगा 2 into 3 6 cm. तो ये कॉमन कोड की लेंथ आ गई हमारे पास 6 cm. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोर्ड. एक सर्कल गिवन है हमें, इस सर्कल में हमें टू कोर्ड्स गिवन है, ठीक है, और दोनों कोर्ड्स इक्वल हैं ए बी एंड सी डी. ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है हमें. इस सेंटर हमने ओ फॉर्म किया है यहाँ पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस होगी कोर्ड से हमारी और ये भी हमारी कोर्ड से डिस्टेंस हो जाएगी. ये 90 डिग्री पे होती है, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, इसको नेम दिया हमने पी एंड क्यू, इसको हम देते हैं एम. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर सी एम इजिकल्स टू ए एम या फिर बी एम इजिकल्स टू डी एम. तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एम क्यू. इस ट्राइंगल में क्या देख रहे हैं हम, दोनों कोर्ड्स इक्वल हैं तो इनके सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, जब ये थ्योरम में देखा था हमने, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया. ओ एम इजिकल्स टू ओ एम, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है और ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे हम ओ एम इजिकल्स टू ओ एम कॉमन. सेकेंड थिंग, एंगल एम क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल एम पी ओ 90 डिग्री. एंड थर्ड, ओ पी इजिकल्स टू ओ क्यू इक्वल कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये भी हमने थ्योरम में देखा था. देयरफोर ट्राइंगल ओ एम पी इज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम क्यू बाय आर एच एस. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये बोल सकते हैं देयरफोर एम पी इज इक्वल्स टू एम क्यू बाय सी पी सी टी. ठीक है, अब हमें पता है कि हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ये हम देख रहे हैं कि ए बी और सी डी इक्वल कोड्स हैं, दोनों को हाफ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी का हाफ हमारे पास हो जाएगा ए क्यू और सी डी का हाफ हमारे पास हो जाएगा सी पी. ठीक है, तो ये इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन नंबर टू देते हैं.
अब अगर मैं AQ में से MQ को माइनस करता हूँ, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर MQ इक्वल्स टू MP, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, उससे चेंज नहीं होगा इस इक्वेशन में, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हो जाती है यहाँ पर। तो अगर मैं इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस करता हूँ तो क्या आना चाहिए हमारे पास, AQ माइनस MQ इज इक्वल्स टू CP माइनस MP। अब देखिए AQ में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, MQ को, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली AM, तो ये AM, और CP में से हमें क्या माइनस करना है, MP को, तो हमारे पास क्या बचेगा, CM। तो ये हमारा एक पार्ट तो प्रूव हो गया। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करना। हमारे पास AB का हाफ अगर हम लेंगे तो यहाँ पे BQ ले सकते हैं, और CD का हाफ हम PD ले सकते हैं। इसी तरह से प्लस माइनस करके आप इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोर्ड्स। ये सर्कल गिवन है हमें, इसमें टू इक्वल कोर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये हमारा सेंटर हो जाएगा ए बी एंड सी डी। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करने पर ये जो एंगल बनाएगी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये वाला एंगल्स, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इसको इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, यहाँ पर हमें इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो सेम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पहले की तरह। तो इन ट्रायंगल एम पी ओ एंड ट्रायंगल एम क्यू ओ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेकेंड थिंग, एंगल ओ पी एम इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू एम 90 डिग्री। एंड थर्ड क्या होगा यहाँ पर बताइए, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम कॉमन। देयरफोर ट्रायंगल एम पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम क्यू ओ बाय आर एच एस। तो अगर मैं नंबर इनको एंगल वन और एंगल टू नेम देता हूँ तो हम बोल सकते हैं देयरफोर एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू बाय सी पी सी टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स एट ए बी सी डी, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। एक सर्कल हमें गिवन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं यहाँ पर। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक सेम ही होता है। तो दोनों सर्कल का सेंटर हमारे पास सेम है ओ, यहाँ पे एक लाइन है जो इन सर्कल्स को ए बी सी डी फोर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमने क्या किया ओ से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने पी नेम दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम सेंटर से यहाँ में क्या दिख रहा है कि बी सी इस स्मॉल सर्कल की कोर्ड है, तो इस कोर्ड पे हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कोर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी पी इज इक्वल्स टू पी सी, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हो गई। इसी तरह से ए डी भी एक कोर्ड है बिगर सर्कल की,
तो ये इस कोड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कोड भी 62 होगी, तो यहाँ होगा हमारे पास AP इक्वल्स टू PD, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस, तो AP माइनस BP इक्वल्स टू PD माइनस PC। AP में से अगर BP को माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास AB, ऐसे ही PD में से हमने PC को माइनस किया तो हमारे पास बचा CD। इस तरह से हमारा ये प्रूव है, ठीक है। इसके बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।